हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में गाइस इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 3 आईटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा आईटीआई के जो एग्ज़ाम्स है वो सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो उन ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पे देखिए रेगुलर जो है वीडियो लेक्चर्स मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स पास होना चाह रहे हैं ड्राइंग के पेपर में या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से सभी क्वेश्चंस आप लोग रीड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चैप्टर 3 चैप्टर है, ठीक है। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, वो आप लोग जो है देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिले तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग उन वीडियोस का लिंक जो है मेरे से ले सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त के आर्क और कोण से घिरे क्षेत्र को, कोई भी एक वर्त है, ठीक है, ऐसा वर्त, उस वर्त के आर्क, आर्क तो ये कहलाएगा, ठीक है, ये वाला ऐसा आर्क कहलाएगा, और कोण इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम वर्तखंड, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वर्तखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, पंचभुज प्रिज्म को पहचाने। गाइस पंचभुज, पंचभुज मतलब पेंटागन, इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन का मतलब होता है गाइस जिसमें 5 साइड्स हो, ठीक है, 5 भुजाएँ हो, 5 भुजाएँ ऐसा, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन तो देखो आयताकार है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन वर्गाकार है, थर्ड ऑप्शन ट्रायंगुलर है, और फोर्थ ऑप्शन देखिए यार पेंटागन है, बिल्कुल पंचभुज है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टेंजेंट रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा आरएस, ये आरएस जो है ये देखने से पता चल रही है ये खुद अपने आप में टेंजेंट या स्पर्श रेखा है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सरल रेखा, जीवा, चाप, स्पर्श रेखा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, कोई भी वर्त है, ठीक है, ये वर्त इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फिगर हेक्सागन है, हेक्सागन होता है गाइस इसमें 6 साइड हो, 6 साइड इसमें ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेखा चित्र में दर्शाए गए त्रिभुज का प्रकार क्या है, दोनों दो भुजाएं जब बराबर हो, दो भुजाएं जब बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं समद्विभाव, ठीक है। तो यहाँ पे समद्विभाव कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन है डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आकृति के चारों भुजाएँ समान हो प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण वो वर्ग कहलाता है यार, ऑप्शन सी, सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन था, 180 डिग्री, इसको सरल कोण बोलते हैं, बिल्कुल सीधा कोण हो, सरल कोण, रेखा चित्र में दर्शाए गए कोण का नाम बिल्कुल सीधा 180 डिग्री का सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए का मान बताओ यार, ए का क्या मान हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री होगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री कौन ए हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन है सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का नाम बताइए गाइस, देखो ध्यान से समझना यार, जब ये लंबवत हो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ठीक है, और एक दूसरे को बराबर भागों में काट रहे हैं, तो इस ऐसी ऐसा जो फिगर होता है, ऐसी जो शेप होती है उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए यार ओपन नहीं हो पा रहा ये क्वेश्चन, डायग्राम जो है इसका ओपन नहीं हो रहा, यस यस ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये यार ये तो क्या है, वर्त भी नहीं है, दीर्घवर्त है बिल्कुल है, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड भी नहीं है, तो ये दीर्घवर्त, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दीर्घवर्त है ये, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, जिस आकृति के चारों भुजाएं समान हो प्रत्येक कोण समकोण, मतलब ऑल साइड्स है इक्वल हो और ईच एंगल राइट एंगल हो, तो गाइस यार उसको हम सभी को पता है आयत नहीं कहते, वर्त नहीं कहते, उसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान हो लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो कोई भी कोण समकोण नहीं हो,
अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो आप बता सकते हो इसका आंसर, आमने सामने की बजाय तो क्या है, बराबर है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे गाइस? समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस त्रिभुज का एक कोण समकोण कहलाता है? कोई भी ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ही कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी जो है वो है राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समलंब चतुर्भुज कौन सा है? समलंब वो होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, ठीक है, केवल दो भुजाएं समांतर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु, देखो यार समझो इस क्वेश्चन को, ये वृत्त है और इसकी ये परिधि कहलाती है, आपको पता है ये परिधि कहलाती है, परिधि क्या है, परिधि, इसके कोई भी दो बिंदु के बीच का भाग, ये जो वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस भाग को हम बोलते हैं चाप, आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर इस भाग को मैं अलग बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ऐसे, राइट, ये भाग बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम चाप, क्या बोलते हैं गाइस, चाप, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यार दोस्तों 90 डिग्री से 180 डिग्री, देखो यार कोणों का मामले में अगर मैं आप सभी को कहूँ तो 90 डिग्री से कम जो होते हैं, 90 डिग्री से कम जो होते हैं उनको हम न्यून कोण बोलते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले को बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है, और बिल्कुल 180 डिग्री हो उसको अभी मैंने बताया था सरल कोण कहता है, वो कहलाता है सरल कोण, ठीक है, बिल्कुल सीधा कोण हो, तो 90 से 180 के बीच का पूछा है इसने, 90 से 180, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चित्र में त्रिभुज, देखो यार तीनों कोण अलग अलग है ना, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा 100%, ठीक है, क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज, यहाँ पे ऑप्शन ए में है विषमबाहु, समबाहु है नहीं, समकोण है नहीं, समद्विबाहु है नहीं, तो विषमबाहु है, ठीक है, विषमबाहु, सभी अलग अलग हो तो विषमबाहु, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 20वां, ठीक है, 20th क्वेश्चन, रेखा चित्र में दिखाए गए कोण का नाम बताओ, ये कोण है 90 डिग्री से 180, अभी आया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो कोण है वो अधिक कोण कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये ज्यामिति रचनाएं वाले चैप्टर का जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है आपके ड्राइंग के पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही, रेगुलर स्टडी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।